तो उस मीटिंग का उन्होंने हवाला दिया कि जब मनिंदर अग्रवाल सर को नियुक्त किया गया, डायरेक्टर ने एक स्पेशल पावर देकर उनको नियुक्त किया है, कमेटी को नियुक्त किया है कि आप इन कर्मचारियों की समस्याओं को सुने, समझें और इस पर विचार व्यक्त करें। उस कमेटी ने हम लोगों से बात की तो पूछा आपको क्या चाहिए, तो मैंने कहा सर हम लोगों को सिर्फ सीधी सी बात है 60 साल नौकरी दे रखी है, सुविधा तनख्वाह दे दीजिए। तो बोले भाई इसके लिए मुझे 4-5 महीने लगेंगे और ये भी श्योर नहीं कि हो जाए। तो मैंने कहा सर अगर ऐसी बात है तो हम आई टी गेट पर बैठे थे बैठे हैं, जब आप श्योर कर लेना तब आप हमको दे देना, हम उठ जाएंगे। आप हमारे प्रति गंभीर हैं तो हमारा भी निर्णय है सर हम तभी उठेंगे, क्योंकि किसी आंदोलन को या आप समझिए किसी समस्या को बार बार संस्थान प्रशासन के संज्ञान में लाने के बाद संस्थान प्रशासन ने नहीं सुना, तो अब हमारे पास सिर्फ एक रास्ता बचता हुआ है आंदोलन, जो कि गांधीवादी तरीके से नैतिक तरीके से हम अपने आंदोलन को कर रहे हैं। अब हमने उनको बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि सर हम समस्त कर्मचारियों ने ये कसम खा के बैठे हैं कि हम वो जब तक हमारी सुविधाओं या हमारे मूल वेतन नहीं मिलेंगे, या तो हमारी मृत्यु हो जाए या फिर हमें संस्थान सम्मानपूर्वक हमें हमारे निर्णय को दे, अथवा हम यहाँ से नहीं जाएंगे। तो अभी हमको संस्थान ने एक बार बताया था, चेयरमैन काउंसिल ऑफ वार्डन ने, पिछले महीने 2 महीने पहले हमारी मीटिंग हुई थी, आपने डॉक्टर जयराम कुमार तो उनसे वार्ता हुई, तो उन्होंने कहा राजेंद्र सिंह जी अभी मैं हमारा 6 लाख रुपए 6 करोड़ रुपए घाटे पे चल रहा है। अभी संस्थान के पास पैसा नहीं है, नया बजट दिसंबर के बाद आएगा, इसके बाद प्रयास किया जाएगा कि आपके साथ कुछ ना कुछ हो। नया बजट भी आ गया कि नहीं आया पता नहीं भैया, हम वहीं के वहीं खड़े हैं आज भी। मित्र कमेटी ने बहुत अच्छी चीज़, बड़ी बात तो सर यहाँ ये है कि अगर आप कोई डिमांड करते हैं तो तुरंत इंस्टीट्यूट कमेटी रिकॉग्नाइज कर देता है मित्तल कमेटी ने, ठीक, तुरंत दिया था। और शर्म की बात ये है कि कमेटी बनाने के बाद कमेटी जो निर्णय देती है उस पर निदेशक या संबंधित जो भी हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं उसको क्रियान्वित नहीं करने का प्रयास करते हैं, कहते हैं यार वो कमेटी ने डिसीजन दिया अच्छा नहीं है, वो समझ नहीं आ रहा, वो उचित नहीं है, वो लीगली नहीं है, वो ऐसा नहीं है। अगर ऐसा है तो फिर आप कमेटी क्यों रिकॉग्नाइज करते हैं किसी को, हमें आप बनाते हैं और फिर आप कहते हैं हम आपकी बात मानेंगे भी नहीं, तो आप बनाने से क्या फायदा। वो छात्र हमारे सहयोग में आए, आज भी छात्र हमारे सहयोग में खड़े हैं, लेकिन हम छात्रों से यही बार बार कहते हैं कि छात्र संघ से सिर्फ इतना अपील है, चूँकि हमारे काउंसिल ऑफ वार्डन में ये एग्रीमेंट में ये है कि हमारे छात्र का जो जिमखाना प्रेसिडेंट होगा वो भी उस कमेटी में बैठा होगा, अच्छा एडवाइजिंग कमेटी में वो बैठा होगा, कर्मचारियों से संबंधित विषय हों या छात्रों से संबंधित विषय हों उसमें वो एक्टिव होगा। तो इसलिए 1974 में समझौता हुआ तब भी उसमें भी जिमखाना प्रेसिडेंट के सिग्नेचर हैं, आज भी हम चाहते हैं कि जिमखाना प्रेसिडेंट के ही सिग्नेचर से हमारा भविष्य बने। छात्रों से सिर्फ इतनी अपील है कि छात्र कम से कम हमारी बात को, हमारी समस्याओं को अपने गाइड्स के द्वारा या अपने ट्विटर और फेसबुक के माध्यम से जो भी उनके पास सुविधा है, मन को नहीं चाहता कि हमारे में वो इस आंदोलन में वो बेचारे शरीक हों, क्योंकि ये फैक्ट है कि हम यहाँ पढ़ने आए हैं ना कि भविष्य अपना बिगाड़ने आए हैं। संस्थान प्रशासन को मैंने ये भी इस आंदोलन के माध्यम से दिखाना चाहा और बताना चाहा कि आपके 60 कर्मचारी हैं, 60 पीड़ित हैं, 60 ही लड़ रहे हैं, मतलब विथ रेगुलर्स हमारे सपोर्ट हमारा कर रहे हैं कि नहीं बेटा आप लोग हमारे रहते आपका भविष्य बन जाए, हमारे साथ आप लगे थे तो कम से कम हमको भी खुशी मिलेगी। उस नीयत को ध्यान में रख के रेगुलर साथी हमारा सहयोग कर रहे हैं। मीडिया का सर ये टेंशन है कि मीडिया कर्मी साथियों के पास हम लोग गए प्रार्थना पत्र लेकर के, उन्होंने स्वीकारा भी, आए भी, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी आई और प्रेस मीडिया भी आई, दोनों ने हमारा सहयोग भी किया, हमारा सहयोग भी किया, उन्होंने हमको प्रकाशित किया कि नहीं ये गलत हो रहा होना चाहिए। दूसरे दिन जाने कौन सी घूटी बन गई, क्या तब्दीली हो गई, हम प्रेस क्लब गए, मीडिया सेंटर गए, सबको एप्लीकेशन दी, प्रेस नोट दिया, कहीं कोई कार्रवाई नहीं। हमें ऐसा एहसास होता है कि प्रशासन के दबाव में रूप से आ चुके हैं, प्रशासन दबाव बस मीडिया कर्मी भी हमारा सहयोग करने से वंचित है। हमारे पास कोई दूसरा स्रोत नहीं है कि हम अपनी बात को कहीं हाईलाइट करें, इसलिए हम लोगों ने अभी ठान लिया है कि हम कहीं नहीं कहेंगे, किसी से नहीं कहेंगे, हम यहीं बैठे बैठे मर जाएंगे वो ठीक है, संस्थान जब दिखाई पड़ेगा सुनेगा इसमें भी चले जाएंगे। जब बिल्कुल कोहरा बरसता है रजैया भीग जाती है, इतना ठंडा जाते लोग, कोई नहीं, बहुत हम लोग सर विपदा में हैं।